क्या कहा, दोबारा कहो, जॉन एलिया? दिल में तीर गड़ गया, ये किसका नाम ले लिया। द बेस्ट ऑफ जॉन एलिया की सीरीज में पिछले हफ्ते मैंने आपको सुनाए थे जॉन के कतात, रैंडम शेर। आज इस सीरीज के दूसरे और आखिरी एपिसोड में मैं आपके लिए पढ़ूंगा जॉन की गजलें। वो गजलें जो किसी दोस्त की तरह बात करती हैं, किसी जमीन से बिछड़े हुए पौधे की तरह सिसकियां भरती हैं और किसी दिलजले आशिक की तरह दहाड़े मार के रोती हैं। जॉन की गजलों पर आने से पहले एक छोटी सी नज्म। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इनमें एक रमज है जिस रमज का मारा हुआ जहन मुजदए इशरते अंजाम नहीं पा सकता। इन किताबों में एक रहस्य है, इन किताबों में एक मिस्ट्री है जो मेरे जहन को झकझोरती रहती हैं, मुझे परेशान करती रहती हैं, मुझे एक पल के लिए भी आराम नहीं मिलता। इनमें एक रमज है जिस रमज का मारा हुआ जहन मुजदए इशरते अंजाम नहीं पा सकता, जिंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। और अब जॉन की गजलें। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम। खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम। ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, वफादारी का दावा क्यों करें हम। ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, वफादारी का दावा क्यों करें हम। वफा, इखलास, कुर्बानी, मोहब्बत, अब इन लफ्जों का पीछा क्यों करें हम। हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम। ये क्या शर्त हुई, हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम। और नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। खामोशी कह रही है कान में क्या, खामोशी कह रही है कान में क्या, आ रहा है मेरे गुमान में क्या। अब मुझे कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या। अब मुझे कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जबान में क्या, छाले पड़ गए क्या जबान में। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जबान में क्या। मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। ये आयरनी देखें आप, ये ट्रेजडी देखें कि वो इंसान जिसके पास कलाम की इतनी बड़ी ताकत है, जिसको शायरों का बादशाह कहते हैं, वो इस बात से परेशान है कि उसकी बात कोई समझता क्यों नहीं, उसकी बात में रसाई क्यों नहीं है, उसकी बात लोगों तक पहुंचती क्यों नहीं, कहीं उसके बयान में ही कोई खामी तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। वो मिले तो ये पूछना है मुझे, वो मिले तो ये पूछना है मुझे, अब भी हूं मैं तेरी अमान में क्या। क्या तू अब भी मेरा है, क्या मैं अभी तेरे साये में हूं, क्या मैं अभी तेरी रखवाली में हूं। वो मिले तो ये पूछना है मुझे, अब भी हूं मैं तेरी अमान में क्या। और ये जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। ये जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। और ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। करता है हा हू मुझ में, कौन है बेकाबू मुझ में। ये कौन शोर शराबा मचा रहा है मेरे अंदर, ये कौन इतना मुस्तरिब है, इतना व्याकुल है। करता है हा हू मुझ में, कौन है बेकाबू मुझ में। यादें हैं या बलवा है, कोई दंगा है, कोई दहशतगर्द है अंदर मेरे।
यादें हैं या बलवा है, चलते हैं चाकू मुझमें, मैं तो एक जहन्नम हूं, क्यों रहता है तू मुझमें, मैं तो एक जहन्नम हूं, क्यों रहता है तू मुझमें। जॉन कहीं मौजूद नहीं, जॉन कहीं मौजूद नहीं, मेरा हम पहलू मुझमें, वो जो मेरी बाहों में बैठा हुआ है, मेरी आगोश में बैठा है, जो मेरे पहलू में है, वो मेरे अंदर कहीं मौजूद भी नहीं है। निदा फाजली कहते हैं, कुछ तबीयत ही मिली थी ऐसी, चैन से जीने की सूरत न हुई, जिसको चाहा उसे अपना न सके, जो मिला उससे मोहब्बत न हुई। वसीम बरेलवी ने भी कहा है, किस काम की रही ये दिखावे की जिंदगी, किस काम की रही ये दिखावे की जिंदगी, वादे किए किसी से, गुजारी किसी के साथ। जॉन कहीं मौजूद नहीं, मेरा हम पहलू मुझमें। तेरा फिराक जाने जा ऐश था क्या मेरे लिए, फिराक यानी जुदाई, ये तेरी जुदाई के दिन क्या मेरे लिए अय्याशियों के दिन थे। मैंने हर बार ये बात कही है कि जॉन बहुत ईमानदार थे, जॉन कुछ भी कबूल कर लेते थे, छुपाते नहीं थे। तेरा फिराक जाने जा ऐश था क्या मेरे लिए, यानी तेरे फिराक में खूब शराब पी गई। तेरा फिराक जाने जा ऐश था क्या मेरे लिए, यानी तेरे फिराक में खूब शराब पी गई। एक ही हादसा तो है और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। अगर तुम कह देते और मैं सुन लेता, अगर मैं कह देता और तुम सुन लेते, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन एक ही हादसा तो है और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। उनकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर, उनकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर, एक गली की बात थी और गली गली गई, एक गली की बात थी और गली गली गई। बात भी तेरे जाने जा दिल में रहा अजब समा, बात भी तेरे जाने जा दिल में रहा अजब समा, याद रही तेरी यहां फिर तेरी याद भी गई। सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि तेरी याद भी चली गई। बात भी तेरे जाने जा दिल में रहा अजब समा, याद रही तेरी यहां फिर तेरी याद भी गई। और ये गजल, कितने ऐश से रहते होंगे कितने इतराते होंगे, कितने ऐश से रहते होंगे कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। कितने ऐश से रहते होंगे कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। वो जो ना आने वाला है ना उससे मुझको मतलब था, वो जो ना आने वाला है ना उससे मुझको मतलब था, आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। अंदाज देखें जॉन का, कि वो जो ना आने वाला था ना उससे मुझको मतलब था, आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। उसकी याद की बादे सबा में और तो क्या होता होगा, बादे सबा हवाएं। और ये शेर सुनते हुए जॉन का चेहरा जरूर ख्याल में ले आए। उसकी याद की बादे सबा में और तो क्या होता होगा, यूं ही मेरे बाल हैं बिखरे और बिखर जाते होंगे, और तो क्या होगा। उसकी याद की बादे सबा में और तो क्या होता होगा, यूं ही मेरे बाल हैं बिखरे और बिखर जाते होंगे। यारों कुछ तो जिक्र करो उसकी कयामत बाहों का, यारों कुछ तो जिक्र करो उसकी कयामत बाहों का, वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। यारों कुछ तो जिक्र करो उसकी कयामत बाहों का, वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। एक और गजल याद आई, अपने सब यार काम कर रहे हैं, अपने सब यार काम कर रहे हैं और हम हैं कि नाम कर रहे हैं, अपने सब यार काम कर रहे हैं और हम हैं कि नाम कर रहे हैं। तेगबाजी का शौक अपनी जगह, कि तलवारबाजी का शौक अपनी जगह, अच्छी बात है। तेगबाजी का शौक अपनी जगह, आप तो कत्ले आम कर रहे हैं। और दादो तहसीन का ये शोर है क्यों, ये जो आप वाह वाह कह रहे हैं मेरे शेरों पर, क्यों कह रहे हैं आप। दादो तहसीन का ये शोर है क्यों, हम तो खुद से कलाम कर रहे हैं, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, आप क्यों वाह वाह कर रहे हैं। कि दादो तहसीन का ये शोर है क्यों, हम तो खुद से कलाम कर रहे हैं। हम हैं मसरूफ़ इंतज़ाम मगर बहुत मसरूफ़ हैं हम कुछ इंतज़ाम करने में किसी चीज़ का, हम हैं मसरूफ़ इंतज़ाम मगर
जाने क्या इंतजाम कर रहे हैं, ये भी नहीं पता कि इंतजाम क्या है। कुछ इंतजार की मुद्दत ही यूं तवील हुई, कुछ इंतजार की मुद्दत ही यूं तवील हुई कि हम ये भूल गए इंतजार किसका है। हम हैं मसरूफ इंतजाम मगर जाने क्या इंतजाम कर रहे हैं। है वो बेचारगी का हाल के हम, है वो बेचारगी का हाल के हम हर किसी को सलाम कर रहे हैं। उसके होंठों पे रख के होंठ अपने, उसके होंठों पे रख के होंठ अपने, बात ही हम तमाम कर रहे हैं। हमने बात ही खत्म कर दी। उसके होंठों पे रख के होंठ अपने, बात ही हम तमाम कर रहे हैं। और ये गजल मुझे बेहद पसंद है, अपने लबो लहजे के लिए, अपने अंदाज के लिए, अपनी जमीन के लिए, कि बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या। ये ताना देखिए आप, जिस तरह का ताना कसते हैं जॉनेलिया। कुशादा मतलब बहुत बड़ा, दिल को बहुत बड़ा कर लिया क्या, बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, जमाने भर से वादा कर लिया क्या। बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, जमाने भर से वादा कर लिया क्या, तो क्या सचमुच जुदाई मुझसे कर ली, खुद अपने को आधा कर लिया क्या। तो क्या सचमुच जुदाई मुझसे कर ली, खुद अपने को आधा कर लिया क्या। वसीम रिलवी कहते हैं, लगा के देख ले जो भी हिसाब आते हूं, लगा के देख ले जो भी हिसाब आते हूं, मुझे घटा के तू गिनती में रह नहीं सकता, खुद अपने को आधा कर लिया क्या। और बहुत नजदीक आती जा रही हो, बहुत नजदीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। बिन तुम्हारे कभी नहीं आई, क्या मेरी नींद भी तुम्हारी है। बिन तुम्हारे कभी नहीं आई, क्या मेरी नींद भी तुम्हारी है। उससे कहियो कि दिल की गलियों में, कहियो मुरादाबाद, अंदाज अमरोहा का, उससे कहियो कि दिल के गलियों में रात दिन तेरी इंतजारी है। गाहे गाहे बस अब यही हो क्या, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो क्या। क्या बार बार यही होगा कि जब तुमसे मिलूंगा तब खुशी होऊंगा, जरूरी थोड़ी है। मैंने कहा था कि जॉन कभी कभी बहुत अनकंफर्टेबल ट्रुथ बोल देते हैं, ये वैसा ही एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, ये जरा सी फॉर्मेलिटी, ये जरा सी रस्मदारी भी जॉन को तकलीफ देती है। जॉन इतनी सी रस्म भी अदा नहीं करना चाहते ये कहना कि आपसे मिलकर खुशी हुई। गाहे गाहे बस अब यही हो क्या, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो क्या, और मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, मुझको यकसर भुला चुकी हो क्या। बड़े जोश से मिल रही हो तो क्या मुझे पूरी तरह भूल चुकी हो। जॉन पैराडॉक्सिस के शायर थे, विडंबनाओं के शायर थे, विरोधाभास के शायर थे। जब कोई बहुत खुल के मिल रहा है तो जॉन को ये शक है कि शायद ये इंसान मुझे पूरी तरह भुला चुका है। कि मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, मुझको यकसर भुला चुकी हो क्या, याद हैं अब भी अपने ख्वाब तुम्हें, मुझसे मिलकर उदास भी हो क्या। अगर तुम्हें वो सपने याद होंगे जो हमने कभी साथ में देखे थे, तो आज मुझसे मिलकर तुम्हें उदासी होगी। याद हैं अब भी अपने ख्वाब तुम्हें, मुझसे मिलकर उदास भी हो क्या। बस मुझे यूं ही एक ख्याल आया, बस मुझे यूं ही एक ख्याल आया, सोचती हो तो सोचती हो क्या। बस मुझे यूं ही एक ख्याल आया, सोचती हो तो सोचती हो क्या, अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या। अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या। क्या कहा, इश्क जावेदानी है, यानी इश्क हमेशा रहता है, इश्क कभी नहीं मरता, इश्क अमर है, ऐसा कह रही हो तुम। क्या कहा, इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या। जॉन का पैराडॉक्स। क्या कहा, इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या। हां फजा यहां की सोई सोई सी है, हां फजा यहाँ की सोई सोई सी है, तो बहुत तेज रोशनी हो क्या। ये सोई सोई नींद में डूबी फजा तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, बहुत चमक दमक चाहिए क्या। हाँ फजा यहाँ की सोई सोई सी है, तो बहुत तेज रोशनी हो क्या। मेरे सब तंज बेअसर ही रहे, तुम बहुत दूर जा चुकी हो क्या। अब तो तुम्हें मेरी कोई बात बुरी भी नहीं लगती, क्या तुम इतनी दूर जा चुकी हो।
मेरे सब तंज बेअसर ही रहे, तुम बहुत दूर जा चुकी हो क्या, दिल में अब सोजे इंतजार नहीं, शम्मे उम्मीद बुझ गई हो क्या, दिल में अब सोजे इंतजार नहीं, मेरे दिल में अब इंतजार की गर्मी नहीं रही, क्या जो उम्मीद की आखिरी शम्मा थी वो भी बुझ गई, दिल में अब सोजे इंतजार नहीं, शम्मे उम्मीद बुझ गई हो क्या, इस समंदर पे तशना काम हूं मैं, बान तुम अब भी बह रही हो क्या, मैं इस समंदर पे प्यासा हूं तशना काम हूं, बान वो नदी है जो अमरोहा में बहा करती थी। जाहिर सी बात है ये शेर तब कहा होगा जॉन एलिया ने जब वो हिंदुस्तान छोड़ के अमरोहा छोड़ के पाकिस्तान जा बसे थे और उनको अपना अमरोहा और उस अमरोहा में बहती हुई नदी याद आ रही थी। इस समंदर पे तशना काम हूं मैं, बान तुम अब भी बह रही हो क्या। किससे इजहारे मुद्दा कीजिए, आप मिलते नहीं हैं क्या कीजिए। वो जो पते की बात है, मुद्दे की बात है, मतलब की बात है, मैं करूं भी तो किससे, आप तो मिलते ही नहीं। किससे इजहारे मुद्दा कीजिए, आप मिलते नहीं हैं क्या कीजिए, आप थे जिसके चारागर वो जमा सख्त बीमार है दुआ कीजिए। जिसका इलाज सिर्फ आप कर सकते थे, वो जवान वो नौजवान बहुत सख्त बीमार है, उसके हक में दुआ कीजिए। आप थे जिसके चारागर वो जवान सख्त बीमार है दुआ कीजिए, एक ही फन तो हमने सीखा है। और ये शेर जॉन का सिग्नेचर है, उनकी जिंदगी का भी, उनके कैरेक्टर का भी और उनके बागपन का भी, कि एक ही फन तो हमने सीखा है, जिससे मिलिए उसे खफा कीजिए, जो मिला हमसे हमने उसको ही नाराज कर दिया। एक ही फन तो हमने सीखा है, जिससे मिलिए उसे खफा कीजिए, मुझको आदत है रूठ जाने की, आप मुझको मना लिया कीजिए। इतनी सीधी सी बात है कि मुझको आदत है रूठ जाने की, आप मुझको मना लिया कीजिए, मिलते रहिए इसी तपाक के साथ बेवफाई के इंतहा कीजिए। यही झूठ मुझसे बार बार बोलते रहिए, ऐसे ही जोश से मिलते रहिए जबकि मैं जानता हूं कि आप मेरे रहे ही नहीं, मिलते रहिए इसी तपाक के साथ बेवफाई के इंतहा कीजिए। मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा, परवीन शाकिर। मिलते रहिए इसी तपाक के साथ बेवफाई के इंतहा कीजिए, मुझसे कहती थी वो शराब आंखें, आप वो जहर मत पिया कीजिए। मेरी आंखें हैं ना, आप क्यों वो जहर पीते हैं। मुझसे कहती थी वो शराब आंखें, आप वो जहर मत पिया कीजिए। मनोहर राणा का शेर है, तुम्हारी आंखों की तौहीन है जरा सोचो, तुम्हारा चाहने वाला शराब पीता है। ये गम क्या दिल की आदत है, नहीं तो किसी से कुछ शिकायत है, नहीं तो ये जमीन देखिए, नहीं तो रदीफ क्या है, नहीं तो ये गम क्या दिल की आदत है, नहीं तो किसी से कुछ शिकायत है, नहीं तो किसी के बिन, किसी की याद के बिन जिए जाने की हिम्मत है, नहीं तो। और तेरे इस हाल पर है सबको हैरत, तुझे भी इस पे हैरत है, नहीं तो। तेरे इस हाल पे है सबको हैरत, तुझे भी इस पे हैरत है, नहीं तो। वो दरवेशी जो तशकर आ गया तू, वो फकीरी जो तू छोड़ के चलाया था, ठुकरा के चलाया था, वो दरवेशी जो तशकर आ गया तू, ये दौलत उसकी कीमत है, नहीं तो। वो दरवेशी जो तशकर आ गया तू, ये दौलत उसकी कीमत है, नहीं तो। मेरे दर से खाली लौटे राजनीति के उड़न खटोले, दुनिया में इतना धन कब है जो मेरी खुददारी तोले, ये दौलत उसकी कीमत है, नहीं तो। कोई मुझ तक पहुंच नहीं पाता, इतना आसान है पता मेरा, पैराडॉक्स, विडंबनाएं, आयरनीज जॉन के जीवन की। कोई मुझ तक पहुंच नहीं पाता, इतना आसान है पता मेरा, आज मैं खुद से हो गया मायूस, आज एक यार मर गया मेरा। सोचता हूं कि उसकी याद आखिर अब किसे रात भर जगाती है, सोचता हूं कि उसकी याद आखिर अब किसे रात भर जगाती है, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है, कौन इस घर की देखभाल करे रोज एक चीज टूट जाती है, कौन इस घर की देखभाल करे रोज एक चीज टूट जाती है। और अब जॉन की आखिरी गजल,
वही हिसाब तमन्ना है अब भी आ जाओ, वही हिसाब तमन्ना है अब भी आ जाओ, वही है सर वही सौदा है अब भी आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए उतना ही पागल हूं जितना कभी हुआ करता था, आ जाओ ना। वही है सर वही सौदा है अब भी आ जाओ, मैं खुद नहीं हूं कोई और है मेरे अंदर जो तुमको अब भी तरसता है, अब भी आ जाओ। कहीं कुछ नहीं बदला, मैं खुद नहीं हूं कोई और है मेरे अंदर जो तुमको अब भी तरसता है, अब भी आ जाओ। और किसी से कोई भी शिकवा नहीं मगर तुमसे अभी तलक मुझे शिकवा है, अब भी आ जाओ। तुमसे रिश्ता कायम है, तुमसे रिश्ता सलामत है, तुमसे सब रिश्ते टूटे नहीं, एक शिकायत का रिश्ता बाकी है। किसी से भी कोई शिकवा नहीं मगर तुमसे अभी तलक मुझे शिकवा है, अब भी आ जाओ। और कभी जो हमने बड़े मान से बसाया था वो घर उजड़ने ही वाला है, अब भी आ जाओ। कभी जो हमने बड़े मान से बसाया था वो घर उजड़ने ही वाला है, अब भी आ जाओ। वो दिल के अब है लहू थूकना हुनर जिसका, वो दिल के अब है लहू थूकना हुनर जिसका, वो कम से कम अभी जिंदा है, अब भी आ जाओ। जब तक लफ्जों से खून थूकने का हुनर जिंदा है, दर्द को त्योहार की तरह मनाने का जज्बा जिंदा है, शेर सुनने समझने और उसकी चोट सीने पर सहने वाले आप जैसे सामयिन जिंदा हैं, जॉन जिंदा रहेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे किसी से प्यार नहीं है, आंखें मगर सवाली हैं। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहने उसे राखी न बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। सावन की झड़ी जब लगती है, बूंदों में तू ही बरसता है, तू ही तो है जो झरनों के पानी में छुप के हंसता है। इस किताब में 433 पन्ने हैं, एक एक पन्ने पर मैं एक एक घंटा बोल सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह सफर आप खुद करें। इस सफर की धूप में आप खुद जलें, आपके पैरों में छाले पड़ें, तलवों से खून बहें, और उस खून को अपनी कलम में भरकर आप कुछ ऐसा लिख जाएं जो रहती दुनिया तक पढ़ा जाए। पढ़िए कल्चर यकसा, अगर आप बहुत अच्छा नहीं लिखते तो शायद लिखने लग जाएं, और अगर अच्छा लिखते हैं तो ये किताब आपको और निखार देगी। हाय कर्ण, तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वो देश अतल में गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहां आ सकता है, नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीज कहां जा सकता है।